तो दोस्तों स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान और हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे इसमें महाजनपदास। महाजनपदास हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। हमने सारे महाजनपदास डिटेल में देखे हैं कि उसमें क्या क्या था, क्या क्या नहीं था। उनकी कैपिटल्स के साथ साथ वो कैसे रूल करा करते थे, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पर फॉलो होती थी, वो सारी चीज़ें डिटेल में हमने प्रीवियस वीडियो में देख लिए हैं, जिसका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में और स्क्रीन में लास्ट में पॉपअप आएगा उस पर भी डाल दूंगा उस वीडियो को, ठीक है आप देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मगध, यानी सारे जितने भी महाजनपदास हुआ करते थे, 16 महाजनपदास हुआ करते थे, मगर उसमें से मगध ही राइज क्यों हो करा है, मगध का ही उदय क्यों हुआ, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो रिस्पॉन्सिबल थी मगध को राइज कराने में, मगध का उदय कराने में, मगध के पास ही इतनी ज़्यादा पावर कैसे आई। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त अरुण। मगर उससे पहले हम थोड़ा सा लोकेशंस को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये जनपदास हुआ करते थे, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट महाजनपदा हुआ करता था वो था काम्बोजा, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली। तो काम्बोज, फिर उसके बाद गांधार आता था, फिर कुरु, फिर पांचाला, फिर कोसला, मल्ला आता था, फिर उसके बाद वज्जी आता था, फिर उसके बाद अंगा आता था। अब अंगा के ही बराबर में जस्ट मगधा आता था, फिर उसके बाद चेदी, देखिए यहाँ पर चेदी लिखा है, चेदी, ठीक है, चेदी बोलते थे उसे, ठीक है। यहाँ पर चैत्या बोला गया है, अवंती भी, अवंती, मत्स्य, सूरसेना, असाका यानी आसमाक भी बोलते हैं इसे। तो यहाँ पर ये सारे जनपदास हुआ करते थे, 16 महाजनपदास। अलॉन्ग विद दियर कैपिटल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज महाजनपदास इन आर प्रीवियस वीडियो। इफ यू हैव नॉट वॉच्ड, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द आई बटन एंड एज वेल एज आई विल प्रोवाइड द लिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पर विज़िट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने इनकी सारी कैपिटल्स के बारे में भी पढ़ लिया था ऑलरेडी, तो अब वीडियो को चालू करने का समय हो चुका, तो चलिए चालू करते हैं। तो देखिए मौर्य से पहले का समय, यानी 321 में जो मौर्याज हैं वो धनानंदा का कत्ल कर देंगे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य धनानंदा को मार देंगे और उसके बाद मौर्यन रूल इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो उससे पहले तीन डायनेस्टीज़ रूल करती हैं, कौन कौन सी डायनेस्टीज़ थी, तीन थ्री डायनेस्टीज़ हुआ करती थी, हरियंका डायनेस्टी, शिशुनागा डायनेस्टी और लास्ट वन धननंद यानी नंद डायनेस्टी, ठीक है। अब यहाँ पर मगध को ऐसे कौन कौन से फीचर्स थे जो उसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी, तो वो फोर कार्डिनल फीचर्स कुछ इस प्रकार थे। पहला था उसकी ज्योग्राफी, जहाँ पर वो लोकेटेड थी, गंगा किनारे पर थी, ब्रह्मपुत्र के किनारे पर, छोटा नागपुर, देखिए छोटा नागपुर तो ऑब्वियसली फेमस है फॉर इट्स एम्पल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। अब यहाँ पर जो जहाँ पर ये मगधा लोकेटेड था यहाँ पर रिच एलिविल सॉइल भी थी, तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था। जब सॉइल ही बढ़िया है, सॉइल इतनी बढ़िया है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन भी होगा, सरप्लस प्रोडक्शन होगा, ट्रेड वगैरह इस्टेब्लिश होगी, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थी, ठीक है। अब डेंस फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट ने काफ़ी ज़्यादा मदद करी चीज़ों को बनाने में, नए नए ऑक्यूपेशंस उभर कर आ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। अब दूसरी ये भी हो जाता कि पॉलिसीज जो फॉलो करी गई थी, जो मगध के रूलर्स थे वो कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड करा, एक सपोर्टिव हैंड प्रोवाइड करा मगध को उसको राइज करने में। जैसे कि जो मगध के जो रूलर थे वो अनऑर्थोडॉक्स थे, ऑर्थोडॉक्स नहीं थे यानी पुरानी विचारधाराएं उनके अंदर नहीं थी, जैसे कि हमारे जो रिपब्लिकन गवर्नमेंट हुआ करते थे वज्जी और मल्ला, तो ये ऑर्थोडॉक्स हुआ करते थे, ये नई चीज़ों को एडप्ट करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते थे मगर वहीं पर क्या होता था कि जो जहाँ पर मोनार्की इस्टेब्लिश थी, यानी मगधा में मोनार्की इस्टेब्लिश थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था कि जो ये यहाँ के जो रूलर हुआ करते थे नई नई चीज़ों को जल्दी अडॉप्ट कर लिया करते थे, जैसे कि यहाँ पर हम काफ़ी सारे वेपन्स भी देखेंगे जो चलिए उनके बारे में आगे बात करेंगे वेपन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर इनकी जो रूलर्स की जो पॉलिसीज थी कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैंड प्रोवाइड कराए, ठीक है। अब जो सिस्टम चलता था यानी सिलेक्शन वगैरह होता था, कोई भी मिनिस्टर वगैरह अगर सिलेक्ट करा जाता तो मेरिट बेस हुआ करता था, ओपन कंपटीशन हुआ करता था, क्योंकि अब अगर ओपन कंपटीशन नहीं होता तो तीन डायनेस्टी कॉन्जिक्यूटिवली कैसे रूल करती, पहले हरियंका डायनेस्टी, दूसरी शेषुनाग और तीसरी नंद डायनेस्टी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो पावर थी ना, यानी थ्रोन जो था वो स्वॉर्ड के द्वारा तय करा जाता था कि अगर तू पावरफुल है भाई तो तू आ जा,
ठीक है, ऐसी चीज़ें चलती थी यहाँ पर। अब देख तीसरा जो ऑप्शन आता है वो है कैपिटल, यानी मगध की जो कैपिटल हुआ करती थी, मगध की दो कैपिटल हुआ करती थी, दो कैपिटल हुआ करती थी, पहली थी राजगीर, दूसरी थी पाटलिपुत्रा। ठीक है, राजगीर को, राजगीर जो थी वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो पांच पहाड़ों से घिरी हुई हुआ करती थी। जस्ट सपोज़ कि यहाँ पर ये राजगीर है, इसके चारों ओर ये पाँच पहाड़ हुआ करते थे, ठीक है, जो इसको कहीं ना कहीं एक एज प्रोवाइड कराते थे, यानी सपोर्ट प्रोवाइड कराते थे। कोई भी यहाँ पर आने से पहले उनको इन पहाड़ों से गुजरना पड़ता था। जब कोई भी इंसान यहाँ पर आएगा, यानी कोई भी एनिमी वगैरह आएगा, तो उनको जब ये पहाड़ों से गुजरेगा तो भाई थकान तो हो ही जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर जो है ना लड़ाई करना भी भारी पड़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मगध को सपोर्टिव हैंड तो प्रोवाइड करा ही दिया कैपिटल ने। तो जो लोकेशन थी कैपिटल की वो भी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक थी। ठीक है, अब बिंबिसारा ने क्या करा था, बिंबिसारा ने क्या करा था कि जो ये जो कैपिटल थी ना राजगीर, उसको वुडन वॉल, उसके चारों ओर वुडन वॉल लगा दी थी इन पहाड़ों के जो साइड साइड में, लाइक यहाँ पर पहाड़, यहाँ पर पहाड़, तो इसके बीच में ये वुडन वॉल खड़ी कर दी। अब ये जो वुडन वॉल थी, यहाँ पर बाउल्डर्स, बड़े बड़े बाउल्डर्स भी लगा दिए, बाउल्डर यानी बड़े पत्थर भी लगा दिए थे। ठीक है, अब इसको और भी कनेक्ट कर दिया, जब यहाँ पर इन जो वॉल्स हैं इनको लोहे की चैनों के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया, सारी की सारी जो वॉल हैं उसको लोहे की चैनों के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया। क्योंकि मान के चलिए यहाँ पर वॉल, यहाँ पर पहाड़, यहाँ पर पहाड़, और यहाँ पर पहाड़, और यहाँ पर भी पहाड़, अब ये बीच में राजगीर, अब इसको यूँ कनेक्ट कर दिया लोहे की चैनों से और वुडन वॉल से। ठीक है, अब ऐसे कनेक्ट हो गई तो कहीं ना कहीं भाई देखे इम्प्रेगनेबल बन जाएगी फिर तो, ये दुश्मन के द्वारा कभी तोड़ ही नहीं पाएगा इसे। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर थी, कैपिटल जो थी कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक थी। अब देखिए यहाँ पर लोकेशन तो थी, देखिए मगध छोटा नागपुर प्लेट्यू में इस्टेब्लिश था, यानी उसकी जो लोकेशन थी वो वहाँ पर थी, तो वहाँ पर तो आयरन पाया ही जाता है, तो आयरन से कहीं ना कहीं उसको एक इफ़ेक्टिवनेस प्रोवाइड कराई। यहाँ पर जो रूरल हुआ करते थे, तो उन्होंने उस आयरन से क्या करा कि अच्छे अच्छे से वेपन बनाने चालू कर दिए, वो हम आगे जब मगध पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे, जल्द ही मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ के देखिए, ये देखिए राइवल्स होते ना, उनको कहीं ना कहीं मारने में, उनको कहीं ना कहीं भगाने में, खदेड़ने में बहुत हेल्प करी जो आयरन ओर है उसने, क्योंकि यहाँ पर वेपन बहुत ज़्यादा उभर कर आ रहे थे। वहीं पर वज्जी और मल्ला जैसे जो महाजनपदा हुआ करते थे, वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को अडोप्ट करने में कहीं ना कहीं हिचकिचाते थे। अरे हिचकिचाना कैसा भाई, रोल तो तुम भी कर रहे हो, मगर वही वाली बात है ना कि सात समुद्र पार जाओगे तो तुम्हारा जो धर्म है वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर चलती थी, तो ये सारी चीज़ें भी थी। ठीक है, अब अगर बात करी जाए मेगस्थनीज के अनुसार, मेगस्थनीज मौर्य के समय पर आया था, ठीक है, मौर्यन साम्राज्य के समय पर, तो वहाँ पर उन्होंने नोट करा कि जो पाटलिपुत्रा है उसको भी वुडन वॉल पैलेसिड से कनेक्ट करा गया है, जिसके अवशेष बुलंदी बाग यानी पटना में मिलते हैं और गोसाई कुंडा नेपाल में इसके अवशेष देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो अपने आंसर राइटिंग में, दैट इज़ व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग यू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, अब पाटलिपुत्र भी एक स्ट्रेटजिक कैपिटल थी, क्यों, क्योंकि ये भी जो तीन रिवर थी ना उनके किनारे पर बसी हुई थी। कौन कौन सी रिवर, गंगा, गंडक, सोन, तो ये जो तीन रिवर थी उनके किनारों पर बसी हुई थी, इसलिए इस कैपिटल को क्या कहा जाता था, जलदुर्गा। ठीक है, अब ये भी स्ट्रेटजिक हो गई, तो दोनों ही कैपिटल कहीं ना कहीं स्ट्रेटजिक थी। और जो चौथा पॉइंट होता है हमारा एम्बिशियस रूलर, यानी जो रूलर थे ना वो कहीं ना कहीं भाई एम्बिशियस थे, यानी तत्पर थे बहुत ज़्यादा कि उन्हें अपना जो राज्य है ना वो एक्सपेंड करना है। ठीक है, जैसे कि बिंबिसारा, अजातशत्रु, भाई बहुत कमाल के रूलर थे ये, मैं जब पढ़ाऊँगा तो आपको सारी चीज़ें बताता चलूँगा। ठीक है, अब ये जो इनके जो एम्बिशियसनेस है ना, इनको ये कहीं ना कहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं जो मगधा है ना उसको पावरफुल बना दिया। अलॉन्ग विद ऑल दीज थ्री पॉइंट्स जो हमने अभी डिस्कस करे हैं, उनके साथ साथ ये जो एम्बिशियस रूलर्स हैं ना, इन्होंने भी कहीं ना कहीं मगधा को राइज करने में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर तीन डायनेस्टीज रूल करती हैं, पहली हर्यंका डायनेस्टी, दूसरी शिशुनागा डायनेस्टी और तीसरी नंद डायनेस्टी। तो ये तीनों डायनेस्टी के बाद 321 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ चाणक्य, नन अदर देन चाणक्य जी, आप तो जानते ही हो चाणक्य जी। ठीक है, उनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, तो ये थी वीडियो मगध की, कि मगध को ये सारी चीज़ें कैसे प्राप्त हुई, कैसे नहीं हुई। अगेन आप ये पढ़ सकते हैं, इनकी लोकेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो
अब तक की वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में। हम चालू करेंगे हरियंका डायनेस्टी से, ठीक है, उसके रूलर से। तो उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे विद फर्दर, दोबारा खोगोलेंगे। तो अब तक के लिए फिलहाल इतना ही, आपसे अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।